नमस्कार, मैं हूं सौरभ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो आपको थंबनेल और टाइटल देख के तो पता चल ही गया होगा। जी हाँ, आज मैं बात करने वाला हूं कि ऑडिशंस कहाँ होते हैं, क्योंकि बहुत सारे सवाल मेरे पास आते रहते हैं। बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि सर ऑडिशंस कहाँ होते हैं, तो आज हम इसी पे बात करने वाले हैं। लेकिन उसके पहले, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसी समय हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, बात ऐसी है कि ऑडिशंस कहाँ होते हैं। दोस्तों, ऑडिशंस की कोई फिक्स जगह नहीं होती है, और आपको पता होना चाहिए कि तीन तरह के ऑडिशंस होते हैं। एक तो होता है फिल्मों का ऑडिशन, जो मूवीज बनती हैं उसका ऑडिशन होता है। दूसरा ऑडिशन जो होता है वो होता है टीवी सीरियल्स का, और तीसरा एड फिल्मों का। तो फिल्मों का ऑडिशन कहाँ होता है ये मैं आपको बता रहा हूँ कि आजकल फिल्मों में बड़े बड़े कास्टिंग डायरेक्टर्स हो गए हैं, जो एक बार में कॉन्ट्रैक्ट ले लेते हैं किसी फिल्म की कास्टिंग का, और उनका खुद का अपना एक कास्टिंग एजेंसी है जहाँ पे वो इंट्रोडक्शंस लेते हैं, और उनके पास जो इंट्रोडक्शन डेटा होता है उसी में से फिर वो कास्टिंग करते हैं। तो ऐसे दो चार बड़े नाम हैं जो फिल्मों का ऑडिशंस करते हैं, जो फिल्मों की कास्टिंग करते हैं। दोस्तों, जो फिल्मों की कास्टिंग करते हैं उसमें एक बड़ा नाम है मुकेश छाबड़ा जी का, श्रुति महाजन है, पराग मेहता है, और जोगी फिल्म्स करके हैं। इन लोगों का अपना एक ऑफिस है और ये ऑफिस में अपने यहाँ इंट्रोडक्शंस लेते हैं। उस इंट्रोडक्शन के हिसाब से फिर ये आगे किसी प्रोजेक्ट में किसी आर्टिस्ट को कास्ट करते हैं। और जो टीवी सीरियल्स है, ये टीवी सीरियल्स प्रोडक्शन हाउसेस बनाती हैं। हर प्रोडक्शन हाउस का अपना एक ऑफिस है, एक एड्रेस है, और ये प्रोडक्शन हाउसेस अपने यहाँ कास्टिंग डायरेक्टर्स को हायर करती हैं। इनके ऑफिस में कास्टिंग डायरेक्टर्स होते हैं, तो वो लोग ऑडिशंस लेते हैं, ऑडिशंस करते हैं, और फिर वो टीवी सीरियल में आर्टिस्ट को कास्ट करते हैं। और तीसरा जो है वो है एड फिल्मों का। तो एड फिल्मों की कास्टिंग जो है वो किसी सर्टेन जगह पे नहीं होती, उनके ऑडिशंस सर्टेन जगह पे नहीं होते, उसके लिए स्टूडियोज होते हैं। जैसे यहाँ पे आराम नगर और श्रीजी, ये दो ऐसे प्लेसेज हैं जहाँ पे एड फिल्मों के ऑडिशंस होते हैं। यहाँ पे फिल्मों के भी ऑडिशंस होते हैं, लेकिन हमेशा नहीं होते। तो जो एड फिल्में हैं ये भी, इनके भी ऑडिशंस इन सब जगह पे जो स्टूडियोज हैं वहाँ पे होते हैं। तो अगर आपको ऑडिशंस देने हैं, आपको इंट्रोडक्शन देना है, तो आप इन बड़े बड़े कास्टिंग डायरेक्टर्स के ऑफिस में जाके आप वहाँ पे इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। और जब आपका इंट्रोडक्शन उनके पास होगा तो उसी हिसाब से कभी भी वो आपको कास्ट करेंगे अपने प्रोजेक्ट में। उसके लिए वो बाकायदा आपको उस इंट्रोडक्शन से बुलाएंगे, आपका ऑडिशन लेंगे उस प्रोजेक्ट के लिए, और फिर आपकी कास्टिंग करेंगे। और अगर आप टीवी सीरियल्स में काम करना चाहते हैं तो आपको हर प्रोडक्शन हाउस में स्वयं जाना होगा, खुद से जाना होगा। वहाँ पे आपको प्रोडक्शन हाउस में आप कास्टिंग डायरेक्टर से मिल सकते हैं, और वो कास्टिंग डायरेक्टर आपके इंट्रोडक्शन लेकर रखेंगे। फिर वो जब भी कोई नया शो शुरू होने वाला होता है तो उसकी कास्टिंग वो वहाँ पे करते हैं। तो ये आपको टाइम टू टाइम अपने आपको अपडेट करते रहना पड़ेगा कि कब कहाँ किस चीज़ की कास्टिंग हो रही है, कौन से फिल्म की कास्टिंग हो रही है, किस टीवी सीरियल की कास्टिंग शुरू हो रही है। और एड फिल्मों की जो ऑडिशंस हैं वो हमेशा चलते रहते हैं, जो मैंने आपको दो जगह बताई है, आराम नगर और दूसरा श्रीजी। इन सब जगहों पे एड फिल्मों के ऑडिशन चलते रहते हैं। तो इसके लिए भी आपको वहाँ पे विजिट करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप खुद नहीं जाएंगे तब तक आपको पता नहीं चल पाएगा कि ऑडिशंस कहाँ होते हैं। और ये घर पे बैठ के तो बिल्कुल भी नहीं पता चल सकता कि हाँ कहाँ पे ऑडिशंस होते हैं। जैसा मैं जानता हूँ या जो मैंने आज तक किया है वो ये है कि हम जब स्ट्रगल के लिए जाते थे तो वहाँ पे नए नए लोग, नए नए एक्टर्स मिलते थे हमें वहाँ पे, और
वो एक एक दूसरे से इन्फॉर्मेशन हम शेयर करते थे कि हाँ यहाँ पे आज यहाँ पे ऑडिशन चल रहा है, या अच्छा यहाँ पे ये कास्टिंग होने वाली है, यशराज में कास्टिंग होने वाली है। तो ऐसे हम वहाँ पे फिर जाके उस इन्फॉर्मेशन को गैदर करके फिर हम जाते थे वहाँ पे, और वहाँ पे जाके अपना इंट्रोडक्शन या ऑडिशन जो कुछ भी है वो हम वहाँ पे जाके देते थे। तो आपको भी जाना पड़ेगा, मार्केट में निकलना पड़ेगा, इन सब जगहों पे जाना पड़ेगा, विजिट करना पड़ेगा। जब आपके जो ग्रुप्स हैं, जो आपकी जो जान पहचान है, लोगों के साथ होगी, जो नए एक्टर्स हैं जो रेगुलरली ऑडिशंस देते हैं, इंट्रोडक्शन देते हैं, तो उनसे आपकी मुलाकात वहीं पे हो सकती है, और तब आप वहाँ पे एक दूसरे से इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। वैसे आजकल तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स भी हैं काफ़ी सारे ऑडिशंस के, और फेसबुक ग्रुप्स हैं, फेसबुक पे पेजेस हैं बड़े बड़े कास्टिंग डायरेक्टर्स के, उस पर भी वो अपना ऑडिशन शेयर करते हैं, और इंस्टाग्राम है जहाँ पे वो ऑडिशंस की जो इन्फॉर्मेशन है उसको शेयर करते हैं। तो आप उन फेसबुक ग्रुप्स में या उन व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी जुड़ सकते हैं जहाँ से आपको ऑडिशंस के इन्फॉर्मेशन मिलेंगे। अब ये ऑडिशंस जेन्यून है या नहीं वो आपको वहाँ पे जाके पता चलेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ये पूछते हैं, अरे सर ये जेन्यून ऑडिशंस है कि नहीं, या मैं वहाँ गया था ऐसा फेक था, वो पैसे मांग रहे थे एंड ऑल दैट। तो जब तक आप उस जगह पे जाकर खुद विजिट नहीं करेंगे तब तक आपको ये नहीं पता चल पाएगा कि वो ऑडिशन जेन्यून है या नहीं, वो प्रोडक्शन हाउस जेन्यून है या नहीं, या वाकई में फिल्म बन रही है नहीं बन रही है। तो आमतौर पे यही एक तरीका है पता करने का कि ऑडिशंस कहाँ हो रहे हैं। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ जो आज तक मैंने किया है। अब चूंकि काफ़ी समय हो गया है तो काफ़ी सारे लोग जानते हैं, इस वजह से हमें काम के लिए बुला लेते हैं या ऑडिशन के लिए बुला लेते हैं। लेकिन अगर आप नए हैं, आप इस फिल्म इंडस्ट्री में अपना मुकाम बनाना चाहते हैं, आप अपनी जगह बनाना चाहते हैं, और आप टीवी सीरियल फिल्मों में काम करना चाहते हैं, एड फिल्म्स में काम करना चाहते हैं, तो आपको इन सब जगहों पे जाकर ऑडिशंस को चेक करना पड़ेगा, वहाँ पे जाके ऑडिशंस देने पड़ेंगे, और तब आपको कोई रोल मिल सकता है। तो मुझे लगता है कि इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी और ये आपको काफ़ी हेल्प करेगी। तो फिर मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में आपसे, एक नए टॉपिक के साथ, एक नए सब्जेक्ट पे हम बात करेंगे। लेकिन उसके पहले, अगर अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए। तो फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।